स्टेज पर बैठे हमारे मौजूद साथी दोस्तों, साथियों और मेरी लाडली बहनों और माए, शुक्रिया जजाक अल्लाह। आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, हम लोग थोड़ा ताखीर से आए। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि जो 20 तारीख का इलेक्शन है वो इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। आप मेरे चेहरे के तासुरात से देख सकते हैं कितना कॉन्फिडेंस है। जहां जाता हूं लोगों के बीच में जाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत मिलती है। इतनी मोहब्बत मिलती है जिसका अंदाजा हमने नहीं किया था। मैं आप लोग से बोलना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से। बाकी जो आए हैं, चाहे विलास पाटिल हो, चाहे चोरगे हो, चाहे वारिस पठान हो, ये आए नहीं, लाए गए हैं मुस्लिम वोट का बंटवारा करने के लिए। इनका कुछ नहीं है। हम लोगों के बीच में 2.5-3 साल से लोगों के बीच में रहे, लोगों का काम करके फिर इलेक्शन लड़ने आए, और ये लोग सिर्फ 15 दिन पहले एपी फॉर्म लेके आए। एमआईएम 4 साल 11 महीना और 15 दिन गायब रहती है। अचानक 15 दिन इलेक्शन से पहले नमूदार होती है और बोलती है आगे चलो कोटरगेट मस्जिद में नमाज पढ़ने। इससे पहले तो हम लोग नमाज कभी पढ़े नहीं, जुमा की नमाज, और कलमा भी यही लोग पढ़ाते हैं। सियासत करनी है तो सियासत की तरह करो। मजहब कहाँ ले आ रहे हो, मजहब कहाँ ला रहे हो? सियासत सियासत की तरह करो, आओ लोगों की खिदमत करो, लोगों का काम करो, फिर वोट मांगो, हमें अच्छा लगेगा। विलास पाटिल साहब के बारे में क्या बोलूं? ये सियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये भिवंडी हमारा है। हमने यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ काम किया, और इंशाल्लाह हम ही लोग इलेक्शन लड़ेंगे और हम ही लोग इलेक्शन जीतेंगे। वो पूरे शहर को बर्बाद करके, सड़क गटर पानी सारी चीजें खराब, गार्डन नहीं, स्कूलें नहीं, हेल्थ केयर सेंटर नहीं, फिर भी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इलेक्शन लड़ने चले आए आवाम के बीच में। मगर एक चीज वो भूल गए कि नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है जिसमें वो नगर सेवक खरीद के मेयर बन जाएंगे। ये तो विधानसभा इलेक्शन है, यहाँ वोटर नगर सेवक नहीं, आवाम है। और इंशाल्लाह आवाम 20 तारीख को बता देगी कि क्या रहेगा फैसला। जब पेटियां खुलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ ईवीएम मशीन से। चोरगे साहब को क्या, वो तो है ही नहीं, तो वो भी लाए गए क्योंकि यहाँ भिवंडी में इंडिया अलायंस जब 57% हम लोग हैं तो टिकट हमें मिलना चाहिए था माइनॉरिटी को, वहां टिकट नहीं दिया गया। ये भी बीजेपी प्रोपोगेटेड है ताकि आए मुस्लिम वोट पाके और इलेक्शन जीत जाए। वो लोग एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो लोग एक तरफा लगे हुए हैं कमल के बटन पे। और आप लोग कहाँ लगोगे? इंशाल्लाह 20 तारीख को सबसे पहले 5 नंबर बटन, 20 तारीख को सुबह सवेरे उठकर पहले अपना वोट, अपनी पूरी फैमिली का वोट, अपनी पूरी बिल्डिंग का वोट, अपने पूरे मोहल्ले का वोट गिराकर फिर सांस लेंगे आप लोग इंशाल्लाह। एक दिन सारी चीजों से छुट्टी ले लेंगे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए। हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो पहले एजुकेशन का काम करेंगे, स्कूलें बनाएंगे। आप पढ़ेगा भिवंडी तो पढ़ेगा भिवंडी इंशाल्लाह। स्टडी सेंटर बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे। एकलौती लाइब्रेरी थी वो भी बंद हो गई, स्टडी सेंटर है ही नहीं। हॉस्पिटल 1983 का है, 50 साल पुराना, जब आबादी 3 लाख थी और 100 बेड का हॉस्पिटल था। आज 50 साल बाद आबादी 12 लाख की होगी, आज भी 100 बेड का हॉस्पिटल है। इंशाल्लाह ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें लोगों का इलाज होगा, ज्यादा 200-250 जो भी बेड का हॉस्पिटल की जरूरत होगी इंशाल्लाह वो बनाएंगे, और वहाँ हमारी माओ और बहनों का इलाज इज्जत व वकार से होगा। जिस तरीके से एकारत परी नजर से लोग भगाते हैं ना, बहुत खराब लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी हालत खराब कर देंगे इंशाल्लाह। हम लोग इंशाल्लाह पानी पे भी काम करेंगे। पानी जो है हम लोग बहुत बड़ा मसला था। हमारे फराज बाबा बहाउद्दीन भाई नगर सेवक, माजी नगर सेवक अब तो हो गए, मैं नगर सेवक ही आप लोग के लिए आज, और हर मामले पे काम करते हैं, चाहे ब्लॉक को हो चाहे पानी को हो, हर मामले में करते हैं इंशाल्लाह। एक काम का जज्बा इनके अंदर है काम करने का, और उसी लिहाज से वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम लोग एज ए टीम वर्क बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, और तरक्की करने के लिए, भिवंडी बदलने के लिए आपको हमको सब मिलकर वोट करना पड़ेगा और उसके बाद काम करना पड़ेगा। शुक्रिया, जजाक अल्लाह।
मैं 1450 किलोमीटर की दूर से चल करके उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, उस इलाहाबाद की एक बहुत दरखनी जमीन है जिसका नाम है मवाइमा। मैं जब मवाइमा से मुझे पैगाम अखिलेश यादव साहब का हुआ कि आपको भिवंडी जाना है 29 जून को, और जब मैं 7 जुलाई को भिवंडी आया तो मुझे जो मोहब्बत, जो प्यार, जो अपनापन मुझे प्रतापगढ़, बाबूगंज, जिरवा, बारापुर, मेरे इलाहाबाद के लोगों ने, फूलपुर के लोगों ने, मवाइमा के लोगों ने दिया, यकीन मानिए पिछले 4 महीने से मैंने एक वक्त का भी खाना अपने पैसे से नहीं खाया। अभी मैंने सोचा कि मैं चुप्पे से कुछ खा लूं, भूख लगी है, तो वहां भी मेरे अजीज वकार भाई आ गए और उन्होंने भी उसका पेमेंट कर दिया। कल मैं महाराष्ट्र डाइंग में आकर के लोगों से मिलकर गया, आज मेरे दोस्त अजीज मवाइमा से कौशल ज्ञान साहब आप लोगों के बीच आए थे, यहाँ कन्वेंशन करके गए हैं, आज मेरे बड़े भाई नदीम बदान मालिक, मवाइमा के चेयरमैन शोएब अंसारी, मवाइमा ब्लॉक प्रमुख इम्तियाज समी, सब लोग आपके बीच आ चुके हैं और इंशाल्लाह कल से प्रतापगढ़ और मवाइमा के लोग आप लोगों के बीच एक एक घर के दरवाजे को खटखटा करके एक तारीखी इबारत लिखने के लिए आपसे दरखास्त करेंगे। जिस तरह हमने मवाइमा को खूबसूरत बना रखा है, मैं आपसे इस बात की जमानत देता हूँ कि अगर रियाज आदमी यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं तो ये रियाज आदमी ठीक उसी तरीके से काम करेंगे, अखिलेश यादव के सिपाही बनकर के और अबू हाशिम आदमी के सिपाही बनकर के, जिस तरह से मवाइमा में शोएब अंसारी साहब काम कर रहे हैं। 8 घंटा बिजली आती थी मवाइमा में मेरे दोस्तों, 8 घंटा बिजली आती थी, आज पूरे 24 घंटे लाइट आ रही है। आज मवाइमा के अंदर 70 बेड का CHC हॉस्पिटल है, मवाइमा में बुनकरों की बहुत बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है। आज भी मवाइमा के अंदर 75 रुपए यूनिट के हिसाब से, लू के हिसाब से हम बिजली का बिल जमा करते हैं। हमारी सरकार ने बुनकरों के लिए कह रखा है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने लूम का यूनिट चालू किया था, अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार महा विकास अधिकारी में बनती है, समाजवादी पार्टी के अंदर अगर उसकी हिस्सेदारी होती है, तो यकीन मानिए हम जो बिजली मवाइमा के अंदर आपको दे रहे हैं वही सब्सिडाइज बिजली हम आपको देंगे। और यहाँ तक ये जो राक्षस खड़ा है, जो आपसे तिल सुनते हैं ये महंगा महंगा बिल कौन सी कंपनी है, टोरेंटो स्टूडेंटों के जाल से इंशाल्लाह ताला आपको हम लोग जल्द से जल्द निजात दिलाएंगे। अरे मेरे प्यारे भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के जोश को देख करके यही बात कह सकता हूं कि हजरत अली का एक कॉल है कि अगर किसी ने आपको एक बार धोखा दिया हो तो धोखा देने वाले के ऊपर लानत है, और अगर किसी ने कभी आपको दूसरी बार धोखा दिया हो तो धोखा देने खाने वाले के ऊपर लानत है। पिछले 20 सालों से आप लोग हमेशा गलत लोगों की बात सुन करके, गलत लोगों की रहनुमाई को पसंद करके आज कंटिन्यू हुई तंग गलियों में ऐसी ऐसी गंदगी और बदहाली मैंने देखी है भिवंडी के अंदर। यकीन मानिए मेरा वजू तक फौत हो गया और मुझे बार बार जाकर के वजू करना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए। कई दिन तो कस्बों में मेरी ईशा की नमाज भी चली गई। एक वोट आप सफाई के लिए दीजिए, एक वोट अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दीजिए, एक वोट अपने इस्लाम के हक और हुकूक के लिए दीजिए। वो हक और हुकूक जो हमें नमाज, जो हमारे इबादत गाहों की हिफाजत के लिए, जो हमारे लाउड स्पीकरों में अजान देने के लिए, जो हमें दाढ़ी और टोपी रख के बॉम्ब लिंचिंग से बचाने के लिए, हम लोगों ने बहुत जुल्म और सितम सहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत ज्यादतियां हुई हैं हमारे ऊपर। हम उस ज्यादती की गवाही को बताने के लिए आपके पास आए हैं कि अगर आप अपनी क्यादत को वासिम आदमी के नेतृत्व में, रियाज आदमी की शक्ल में मजबूत करेंगे, बाबा फराज की शक्ल में मजबूत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम बम्बई से निकल के बहुत दूर तक जाएगा। इसी के बाद वो मैं कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपसे अपील दरखास्त करता हूँ कि एक आदमी को अगर आप आजमा चुके हैं भरी की तरह की तरह